ये मोहब्बत रसूल है, यही हजरत उस्मान अली फरमाते हैं जो हद को हया और उसके रसूल में इतना हो चुके थे। फरमाया कि जिस हाथ से मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम के दाने हाथ से बैत किए थे, मैंने हया की वजह से हसद की वजह से पूरी जिंदगी वो दांत आया हाथ, लेकिन उनकी शर्म गाह पर नहीं रखा। ये मकाम था मेरे और आपके आका का, अदब और इहतराम था जो सहाबा इकराम ने हमारे ऊपर वादे किए। असहाबे रसूल ने बताया और जिस वक्त ये सुलह गुजर गया, जो सुलह के खत्म होने वाले थे, तो उस वक्त पुलिस ने मौका निकाला कि पुलिस को जान आप जाकर वादे में मजीद तोसी के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात, और आपकी बेटी उम्मे हबीबा के ईमान ला चुकी थी और आका अलैहिस्सलाम की ज़ौजा कलाला की उम्मत की मां थी। अबू सुफियान वतन आए, घर पहुंचे, अपनी बेटी थी सामने, हुजूर का बिस्तर था। अबू सुफियान उस तरफ चले कि मैं इस बिस्तर पर बैठ जाऊं, उस चार भाई पर बैठ जाऊं। आपकी बेटी उम्मे हबीबा हुजूर की बीवी उस बिस्तर पर सोई थी। अबू सुफियान बड़ा हैरान हुआ और सोचने लगा, इलाका रहा गया, बेटी से पूछा कि बेटी क्या मैं इस बिस्तर के काबिल नहीं था, या ये बिस्तर मेरे काबिल नहीं था। बेटी का जवाब यह था कि अब्बा जान, ये जो बिस्तर है का पाकिस्तान बिस्तर है, और ये ऐसा पाकिस्तान बिस्तर है, इस बिस्तर की पाकिस्तानी पर मलाइका भी दर्शन करते हैं, और आप शिरक की वजह से नजस थे, इसलिए मैंने हुजूर के पाकिस्तान बिस्तर को सुना। इस्लाम तारीख क्या बताती है, एक तरफ बाप है, एक तरफ नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेटियों की तो बाप से बड़ा प्यार होता है, बड़ी मोहब्बत होती है, लेकिन उम्मे हबीबा तूने ये क्या कर दिया, अपने बाप को बिस्तर पर बैठ कर दिया, खाली चारपाई ने बिस्तर को समेट दिया। दरअसल सबक ये मिला कि हुजूर की मोहब्बत कायनात की हर चीज से बढ़कर, और इसी हुदैबिया के मकाम पर कुरैश मक्का की तरफ से उरवा बिन मसूद सखी ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तो इन्होंने जब हुजूर की महफिल में पहुंचे, रवायात में लिखा है कि हुजूर के सहाब की तरफ देखते थे, कभी आंखें किसी साहब की तरफ गई, कभी किसी साहब की तरफ गई, और जाकर कुरैश मक्का मुशरिकीन मक्का को कहा कि वल्लाह मैं कैसर और किसरा के दरबारों में गया, मैंने उनके बादशाहों को भी देखा, मैंने नजाशी बादशाहों को भी देखा, लेकिन जो मैंने बादशाह था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखी है, जो जीत मैंने उनमें देखी है कि उनके असहाब अगर वो धूप में हैं तो धूप अपने हाथों पर सो कर मल लेते हैं, अगर वो हुजूर के लिए इरादा करते हैं तो उनके साहब दौड़ते हुए कदर से बढ़कर कोशिश करते हैं कि हुजूर का पानी मिला कर दूंगे, अगर वो कलाम करते हैं बात करते हैं तो सबकी आवाजें पस्त हो जाती है। मैं कि ऐसा दुश्मन भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करता है, दुश्मन भी कहने पर मजबूर है कि इस अजीम हस्ती का मकाम और मर्तबा बहुत बुलंदों पर, और सहाबा इकराम सहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे सामने, हजरत
सादर जेदा होता गज़वे बदर के मौके पर आप दर्ज किया या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी लाई हुई किताब पर आप पर हक आपकी बातें सच्ची हैं। अगर आप हमें समुद्रों में छलांग लगाने का हुक्म देंगे हम समुद्रों में भी कूद जाएंगे। और हजरत मिकदार की नस्बत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस मौके पर तारीखी अरसात इरशाद फरमाए थे और अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बनी इसराइल मूसा अलैहि सलाम के सहाब की तरह यूं नहीं कहेंगे एगिज़ाब अंता रब्बुका फकाल इन्ना हाउला कायलू के मूसा तू जाकर जिहाद कर और तेरा रब जाकर लड़े हम तो यहाँ पर बैठे। बल्कि बुखारी शरीफ की रिवायत आते हजरत मिकदार की नस्बत है अर्ज किया वलाकिन कातिल अन यमीनी का वा शिमाल व बैन यदैक व खल्फक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपके दाएं भी लड़ेंगे बाएं भी लड़ेंगे आगे भी लड़ेंगे पीछे भी लड़ेंगे हर तरह से आपके साथ। और इसकी गजबा बहुत को अगर देख लिया जाए जब ये कमर मशहूर हो गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाद अल्लाह शहीद कर दिया गया तो हजरत अनस की नजर से अता होता था सहाबा इकराम इस वक्त बड़े परेशान हो गए परेशान हो गए साहब बैठ के हिम्मत हार के हुजूर चले गए तो हजरत अनस की नजर से अता होता था फरमाया मूतु अला मात रसूलुल्लाह के लोगों उस जगह पर मर जाओ जिस जगह पर हुजूर दुनिया से चले गए अगर हुजूर ही नहीं गए तो इस तरह का क्या फायदा। और हजरत अनस की नजर से अल्लाह ताला ने उसके बाद तलवार उठाई और बेताने कारदार लगते रहे यहां तक कि जब आप शहीद हो गए और आपके जिस्म पर 70 जख्म के निशान आ गए। इस हुजूर की मोहब्बत में उन्होंने किसी चीज की परवाह नहीं हजरत साहब ने नबी रज़ियल्लाहु ताला का जब जख्मों से चूर थे इसी जंग ओहद के अंदर आखिरी वक्त था तो सहाबा को कहा अपने साथियों को कि मेरा सलाम हुजूर की खिदमत में पेश कर दीजिए और ये कह दीजिए कि अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे आपका साथी दुनिया से जा रहा है और आपसे राजी है और दूसरा पैगाम मेरी कौम को दे देना अगर तुम्हारी जिंदगी में हुजूर को कांटा भी चुभ गया तो अल्लाह के यहाँ ये उजर काबिल कबूल नहीं होगा कोई उजर अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगा। सहाबे रसूल की मोहब्बत आका ने सलाम के साथ कुछ हमें दरस और सबक दे दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला जिन्होंने हुजूर की जिंदगी में 17 नमाजें लोग झगड़ा करते रहते हैं अफसरियत के ऊपर हुजूर अपना मुसल्ला जिंदगी में देखे कि मेरे बाद तुम्हारा इमाम ये जिंदगी में 17 नमाजें बनाई लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अदब को देखे हुजूर की रहमत से 2 दिन कबल जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार थे हजरत अली हजरत अब्बास के कंधों पर हाथ रखकर आप मस्जिद में तशरीफ पहुंचे जोर की नमाज पढ़ रहे हजरत अबू बकर इमामा के सजदे पर पीछे हटने की कोशिश की हुजूर आप अब हुजूर ही नमाज में पीछे जोर ने फरमाया कि इशारा कर आप नमाज पढ़ लोगों ने कहा कि नमाज के बाद अबू बकर आपको किस चीज ने पीछे हटने पर मजबूर किया तो आपके अल्फाज ये थे अबू कहाफा के बेटे को जेब नहीं देता कि हुजूर की मौजूदगी मुसल्ले पर खड़ा नमाज से सहाबा पीछे थे ये अदब और इहतराम मेरे और आपके लिए दर्स है ये सबक है। हजरत अबू जाफर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि जब हम हुजूर के साथ खाना खाते तो जब तक हुजूर खाना शुरू न करते तो हम भी खाते
जब किसी ने पूछा क्यों, फरमाया कि गुलाम की क्या मजाल है कि आका की मौजूदगी में अपने आका से पहल किसी काम में पहल कर, गुलाम की क्या मजाल है कि अपने आका और मौला से आगे चलकर। ये थे सही मानो जिन्होंने गुलामी रसूल का था। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला के मकान पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के मौका पर क़याम फरमाया। मकान दो मंजिल का था, ऊपर और नीचे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले दिन क़याम नीचे हुए। हजरत अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं कि मैं ऊपर था, रात को दिन में क्या आया, ये तो सड़ी हुई गंदगी है, मैं ऊपर और हुजूर नीचे। जब ये ख्याल आया तो नमाज के बाद सारी रात एक तरफ दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। कमरे के दरमियान है ना, यहां पर तो हुजूर आराम फरमा रहे, मैं ऊपर। जब सुबह हुई तो नीचे आ गए यार सुबह। ये बेअदबी, ये गुस्ताखी मुझसे बर्दाश्त नहीं, आप ऊपर क्या फरमाए मैं नीचे करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू अय्यूब अंसारी की दरख्वास्त को कबूल फरमाया और नजर ऊपर चढ़ी। तो मेरे दोस्तों, ये सहाबे रसूल ने हमें सबक को दर्ज किया है। गुलामी का गुलामी कैसे होती है, गुलाम किसे कहा जाता है। ईमान वालों, तुम्हारी आवाज नबी की आवाज से ऊंची होती। इस आय से एक दरस और एक सबक तो यह भी मिलता है हम सब के लिए कि बड़ों की मौजूदगी में ऊंची आवाज से बोलते हैं तो फिर हुजूर को बात का बुजुर्ग से किस्सा कि अल्लाह के बाद तो मकाम ही आपका, मर्तबा ही आपका, अजमत ही आपकी है, शान ही आपकी है। तो फरमाया कि जब ये आयत नाज़िल हुई उसके बाद एक सहाबी हुजूर की बातें में आना ही चाहिए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कुछ दिनों के बाद के फलां साहब की नजर नहीं आता उसका पता चला, उसका पता चला उसके घर पहुंचे। सहाबा इकराम ने उसने जवाब दिया कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ये आयत नाज़िल फरमाई है कि ईमान वालों, तुम्हारी आवाज नबी की आवाज से ऊंची होती है। कि मेरी आवाज जो है वो बहुत ऊंची है, मैं ऐसा भी बोलता हूं कि मेरी आवाज बहुत बुलंद होती है, तो लिहाजा में अगर हुजूर की बारगाह में पहुंचा मेरी आवाज हुजूर की आवाज से ऊंची हो जाएगी तो मैं गुस्ताखे रसूल बन जाऊंगा, गुस्ताखे का मुंतकिब जाऊंगा, लिहाजा से नहीं आता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको बुलाओ। ये हुक्म उसके लिए जो दीदा दानिशा जान बूझ के ऊंची आवाज से। हमारा भी दावा इसके रसूल का, मोहब्बत के रसूल का है। रोजे रसूल पर चलते लोग वहां भी शोर कर रहे थे जहां हुजूर खुद मौजूद है। जब ये हमारा अकीदा कि वहां पर तो यहां पर जो ये पार पड़ता है रिश्ते पहुंचाते हैं और जो वहां पर जाकर पड़ता है अस्सलातु वस्सलाम अलैके या रसूलुल्लाह तो वहां पर आका अस्सलातु वस्सलाम खुद सुनते हैं। जो नबी दुरूद सुनता है क्या माज अल्लाह जो हम शोर करते हैं वो शोर उस नबी को तकलीफ नहीं पहुंचाते। जब दुरूद पहुंचता है हुजूर सुनते हैं तो जो लोग बोले रसूल पर जाकर के ऊंची आवाज से बोल रहे थे ये वो गुस्ताखी नहीं है। एक सीन में मैं कहता हूं हमारा दावा है इसके रसूल का, गुलामी रसूल का। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला ने एक शख्स ने अपने घर के अंदर मेठे कीड़े जिन्हें हम कहते हैं वो ठोंस रहा था दीवारों के अंदर। हजरत आयशा ने जवाब भेजा उसको तो कि आवाज आ रही है बहुत ज्यादा, हुजूर को रोजे रसूल में तकलीफ पहुंची, हुजूर को रोजे रसूल में तकलीफ पहुंच रही है। दोबारा
इश्क रसूल अगर सीखना है तो फिर सहाबे रसूल के दरबार में सहाबा ही काम तो करो। एक सहाबी इनमें से बाल पड़े हो गए, आप काटते क्यों नहीं? तो मैं कैसे काटूंगा? इन बालों को एक मरतबा हुजूर ने अपने हाथों से पकड़ा। ये सहाबी एक जगह से गुजरते गुजरते सर झुका लिया। साथ वाले ने पूछा क्या हुआ? यहाँ पर दरख्त होता था, दरख्त की शाखें झुकी होती थी, जब यहाँ से एक मरतबा हुजूर गुजरे तो सर झुका के गुजरे थे। अगरचे दरख्त कम नहीं रहा लेकिन हुजूर की अदा अपनाते हुए मैंने भी सर झुका था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे थे, कुछ सहाबा खड़े हैं कुछ बैठे हैं। हुजूर ने फरमाया कि बैठ जाओ। हर सहाबी जो जहां पढ़ता वहीं बैठ गया। हुजूर अपने खुतबे से फारिग हुए पाए थे। देखा कि एक सहाबी मस्जिद की दहलीज पर बैठा, एक माँ अंदर एक बाप बाहर है। हुजूर ने फरमाया कि मेरे सहाबी मेरे साथी यहाँ क्यों बैठे? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आवाज कानों में पड़ी के बैठ गए, उसके बाद एक कदम भी आगे चलना गुस्ताखी समझा। एक साथी के मुतल्लिक आता है कि साथ ही करीब बकरियों का बाड़ा था, उसमें बैठा हुआ। उसी साथी को ये पूछा कि अपना हुजूर की आवाज कानों में पड़ी के बैठ गए, मैं यहीं पर बैठ गया। दर्दमंदों से मैं पूछ कहां बैठ गई? तेरी महफिल में गनीमत है जहां बैठ गए। सहाबे रसूल ने मोहब्बत रसूल का हक अदा कर दिया और ये उनके दरवाजे पर जाना होगा, दस्तक देना होगी, पूछना होगा इतनी मोहब्बत आखिरी वक्त पर हर चीज कुर्बान करते हुए घर बार छोड़ के हुजूर का साथ नहीं छोड़ा। एक हम है हर नेमत होने के बावजूद भी नारे भी लगा रहे हैं मोहब्बत रसूल की, लेकिन अमल से बिल्कुल जीरो है। मेरे दोस्तों को अमल से सच्ची बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत पे ना नूरी ना नारी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सही मानो इश्क रसूल अता फरमाए। आका अलैहिस्सलाम का सही मानो गुलाम बन जाए।